मिलना है भोलेनाथ से तो आना पड़ेगा पर बिना शूज के तो कोई चल नहीं सकता। और ये शिवम ना नंगे पैर कह रहा है कि मैं पूरी ट्रैक नंगे पैर करूंगा। बहुत मेहनत करते हो भाई आप लोगों, ऐसी हम श्रद्धालुओं की करते रहो। मेरा आइडियल सुशांत सिंह राजपूत की याद आ रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा। भाई अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, बोलो केदारनाथ बाबा की जय, हर हर महादेव। चलते हैं अब और देखते हैं कितने किलोमीटर है। कुछ रास्ते बैग में पकड़ूंगा, कुछ रास्ते मुन्नू पकड़ेगा बैग, और ऐसे ही बाबा की यात्रा से हुई है। और पता नहीं कैसा सफ़र है, कुछ नहीं पता अभी, बस चल दिए हैं बाबा के दर पे। तो बाबा ने बुलाया है तो जाएंगे, हाजिरी लग गई थी तो मंदीप की शादी के बहाने सच में आना हो गया, बट मैं फिर भी आता हूँ। और उसकी शादी बहाना मिल गया, मन्नू साथ आ गया। तो देखो टाइम 8:54 पे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी शायद सीढ़ियों का रास्ता है, आगे जाके देखते हैं कैसा रास्ता होता है। अबे यार बट एक दिक्कत है, एक गीला रोड जो मिलेगा ना बस ये थोड़ा बहुत परेशान करेगा। कोई नहीं, बाबा ने 10 रस्से फेंक दिए, मैं चल रहा हूँ, बाबा खींच रहे हैं मुझे तो वैसे चल रहा हूँ। थोड़ा ये इसका ध्यान रख के मेरे को चलना पड़ेगा। व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है, ये एक वही रिवर है, सब कुछ सारे सीन ऐसे रहेंगे। और चलने में सिर्फ यही दिक्कत है यार, रोड देख रहे हो यही पसंद नहीं है, खच्चड़ की पोटी और लोग साफ कर रहे हैं भाई साहब। मतलब इस रोड पर बिना शूज़ के तो कोई चल नहीं सकता। और ये शिवम ना नंगे पैर कह रहा है कि मैं पूरी ट्रैक नंगे पैर करूँगा, इसकी कुछ होगी मन्नत। तो बोल रहा था कि भाई मैं नंगे पैर करूँगा, मैंने तो मना भी किया लेकिन नहीं माना। हर हर महादेव, हर महादेव। यही पहाड़ों की खूबसूरती है, सबसे ज्यादा खूबसूरती पहाड़ों की यही है कि कहीं से भी एक वाटरफॉल निकल के आ रहा है और कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। हवा, यही हवा चाहिए ठंडी ठंडी बाबा के द्वार पे। बहुत मेहनत करते हो भाई आप लोगों, ऐसी हम श्रद्धालुओं की करते रहो। ओहो देखो नज़ारे यार, ये ऐसा लग रहा है खच्चड़ पे गधा बैठा दिया हो घोड़े पे, क्या यार लोग ऐसी हालत में ऐसे चलना। बहुत ज़्यादा बदबू आने वाली है मेरे पैरों में से, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा आने वाली है नंगे पैर। ओ बाबा वाह, क्या शक्ति दी बाबा आपने, बस अपने दरबार तक ऐसे ही बुलाना, ऐसे ही। धूप निकल गई है, अब गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, बट वैसे भी ठंड होते चलते चलते गर्मी लगती है, लगी तो उतार दूँगा। और मुन्नू पीछे आ रहा है, अभी बहुत पीछे है मुन्नू, मैं आगे चल रहा हूँ। मुन्नू सब बैग मैंने ले लिया है और चल रहा हूँ, और मुन्नू को भी लट दिलवानी है, लट डंडा दिलाना है। वो वाटरफॉल देखो, वो वाटर क्रॉसिंग है पूरी, बहुत अमेजिंग है। ऊपर के बादल देखो, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। 5-6 किलोमीटर और चल लूँ फिर ये ट्रैक उतार दूँगा। और लव यू महादेव, ये बात बहुत देर से इग्नोर कर रहा था बट ये चीज़ देख के मंसूर की याद आ गई। मेरा मतलब मेरा आइडियल सुशांत सिंह राजपूत की याद आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मूवी उसने शूट करी थी केदारनाथ, और हमारे बीच नहीं है वो। तो आई मिस यू सो मच ब्रो सुशांत सिंह राजपूत। अब स्टॉप लिया है 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद, क्योंकि उठता नहीं, बट ये बैग बहुत भारी है, मेरे को बैग प्रॉब्लम है, तो मम्मी को बैग देना, मम्मी का इंतज़ार करता हूँ और बैग उसे लेके फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा देखो मेरा अभी रुके थे यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए, मुन्नू का बैग दे दिया, वो बैग टांग के थोड़ा धीरे धीरे आएगा, मैं चल रहा हूँ ऊपर, और फिर 4-5 किलोमीटर चल के रुकेंगे और ऐसी यात्रा चल पाएंगे, क्योंकि थकान ज़्यादा भी नहीं करनी है। बट अभी तक थकान है नहीं, क्योंकि कल अच्छे सो लिए थे और
चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं बाबा का नाम लेके, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु। वो देखो हिमालय पर्वत सारा बर्फ से ढका हुआ है सारा, वहीं है आसपास हमारे महादेव, वहीं बैठे हैं वहीं। अभी क्या है, मुन्नू बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, उसके लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास बैग है और बैग भारी है, तो 2-2.5 किलोमीटर लेके वो चलेगा, वो 2-2.5 किलोमीटर में लेके मैं चलूँगा, तो ऐसे ही हम चेंज करते रहेंगे तभी ठीक रहेगा। 10 बज चुके हैं, 3-4 बजे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे हेलीकॉप्टर, मतलब आप लोग खच्चर से भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर का 5 रुपये पर पर्सन किराया है, बट जब आ रहे हो तो अपने मन की श्रद्धा से आओ और चार्जेस को मतलब जो जैसे कंफर्टेबल है वैसे ही जाए, और जैसे कि ये कोई मैं शौक के लिए नहीं कर रहा, ना किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, मेरे मन की श्रद्धा है और ना ही मैंने कुछ मांगा है कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ, मेरी वो पूरी हो गई है क्या मैं मांगा है, देखो भोले बाबा जो देंगे वो खुद से ही देंगे, और बस अपने मन की सच्ची मन की श्रद्धा से जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने, पैदल ही करूँगा इसलिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ, और जीते मैं पहनूंगा नहीं, पता नहीं यार मुन्नू कहाँ है, मुन्नू वो आ रहा है, मुन्नू वो ये तो आने दो से, अभी काफ़ी दूर घुमा उठ करके दिखा दूँ, श्रद्धा से नंगे पैर चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। पागल लाऊंगा है सवेरे 11 पागल ही है, पागल लाऊंगा तो बाबा के द्वार आकर। तू आगे चल, मैं पीछे चलता हूँ, भाई तू बहुत स्लो चल रहा है, भूख लग रही है, तर इसमें बहुत गर्मी थी तो मैंने जैकेट उतार दी थी, और कुछ खाने को कुछ खा लेता हूँ यार, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, तो मैंने चावल छोले चावल का ऑर्डर दिया है, छोले चावल खाऊँगा, मुन्नू आ रहा है अभी पीछे ही, और मुन्नू को रोक लूँगा, और पता नहीं कितने किलोमीटर आ गया, बट बहुत सीधी ऐसी चढ़ाई है खड़ी, और मैं पैदल चल रहा हूँ तो यार वो कीचड़ वीचड़ हो रही है, जिस जगह जगह वाटरफॉल है, वाटर क्रॉसिंग है, दोस्त की वैसे खच्चर की क्वालिटी और लोगों की जूतों की डस्ट सब मिलके एक कीचड़ बना रही है जो दिक्कत कर रही है, बाकी सब लोग शूज़ में हैं, मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, अपनी मंडी अपनी खा लेते हैं, ऑर्डर कराया ये चावल और चने की दाल है, सोयाबीन आलू और ये काले चने, तो ये खा लेता हूँ, सारी डाइट का वैसे तो इसी हो रखी, जिम में जा रहा हूँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना कोशिश हो रहा है, कार्ब्स स्टार्च एंड प्रोटीन एंड आयरन और प्रोटीन, चलो कॉम्बिनेशन खा लेते हैं, तो खा पी रहे हैं, चलते हैं यहाँ से, मुन्नू को अब आगे भेज दिया है, और क्योंकि वो थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं 5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा यार, कैमरा एंगल मैनेज कर ले, थका हुआ हूँ तो उस हिसाब से आ रहा है, देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है जगह, स्वर्ग है सच में, और वो ऊपर चोटी पे बर्फ़ है, हिमालय पर्वत भी हैं वो ढके हुए हैं सारे, और गोविंद पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो मिला नहीं, उतर रहा ही होगा या निकल गया होगा, क्रॉस कर गया होगा, कुछ नहीं पता, अभी मिलेगा तो देख, महादेव वैसे थोड़ी ना अपने पास बुला लेते हैं, पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, आगे जाके थोड़ा सा बैक कैम से दिखाऊंगा, और 8 किलोमीटर के आसपास रह गया, 8-9 किलोमीटर रह गया, और यार टाइट हो रही है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, मिलना है भोलेनाथ से तो आना पड़ेगा, चढ़ाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा खड़ी है यार, भोले बाबा अपने भक्तों की इतनी परेशान क्यों लेते हो, हम चलेंगे कंकड़ पे, जल चढ़ेगा शंकर पे, देख रहे हो जिग जैग ऊपर तक, ऐसे जिग जैग जाना है, यही बाबा की चढ़ाई है, और कितनी खड़ी चढ़ाई है खुद देख लो, कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, वैली देखो ये वैली देखो, और ये देखो
इतना खूबसूरत। अभी एक दुकान पे चाय पीने के पास यार, चाय पी लेता हूँ वैसे एक ही चाय पी। अंकल मीठा कम डालना चाय में, ठीक है। और मम्मू का वेट कर रहा हूँ, पूरे 4 किलोमीटर में अकेला चल कर आऊँ। मम्मी के पास बैग है, बैग लेके मैं चलूँगा। और अब बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है, अब ऐसी चढ़ाई है, ऐसे चल रहा है। सोचो बोले बाबा कितनी परीक्षा ले रहे हैं, बट इतनी आसानी से नहीं मिलते। और ये आवाज़ जो आ रही है, देखो जा रही है।